नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो स्पेशली हमारा जो सेल्स इनवॉइस है उस सेल्स इनवॉइस के बारे में रहने वाला है। और कुछ ऐसी बातों को हम आज इस क्लास के माध्यम से सीखने वाले हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट की बात करते हैं। और आज हमें ये सीखना है इस क्लास के माध्यम से कि हमारा जो सेल्स इनवॉइस है, जो हम माल बेचते हैं उसका बिल बनाते हैं, तो उसका जो प्रिंटआउट जब हम कस्टमर को देते हैं तो प्रिंटआउट के फॉर्मेट की हम बात करने वाले हैं। और आप सभी को ये समझना है आज की इस क्लास के माध्यम से कि सेल्स इनवॉइस को जब प्रिंट किया जाता है तो वहाँ पर उसके जो फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिंपल इनवॉइस और एक आपका होता है नॉर्मल इनवॉइस। कौन सा सिंपल इनवॉइस होगा, कौन सा नॉर्मल इनवॉइस होगा, उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको लेके चलते हैं एक एंट्री के लिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता हूँ एक डे बुक में। ओके, और डे बुक में जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक सेल्स इनवॉइस पहले से बना हुआ है 1,05,140 रुपये का। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एंटर बटन प्रेस किया। एंटर बटन प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट लेंगे। और प्रिंट लेने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+P। ठीक है, अब Ctrl+P करने के बाद में जब आपको उसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि उसका प्रिंट आउट होगा कैसा, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और इस टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना हो तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ यहाँ पर प्रीव्यू पर। और आप प्रीव्यू पे जाने के बाद में यहाँ पर इसको जूम कर लीजिए Alt+Z। और आप इस बिल का फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मयंक ड्रेसेस और उसका जो पार्टी का फ्रॉम का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बायर जो है उसका नाम और उसका GST नंबर, स्टेट वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद में आपका जो गुड्स है जो आपने सेल किया उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सेशन कोड, क्वान्टिटी, रेट वगैरह आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपने इस फॉर्मेट को, मैं उम्मीद करता हूँ, बड़े ध्यान से देखा होगा और आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से इस फॉर्मेट में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब हम टेली के अंदर कंपनी बनाते हैं और हमारा जब काम करते हैं सेलिंग वगैरह का, और जब हम कस्टमर को प्रिंट आउट देने के लिए यहाँ तक आते हैं, तो ये बेसिक मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है वो पहले से सेट होता है। ये बाय डिफॉल्ट है फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार कस्टमर को जो बिल दिया जाता है या हमारे पास जब बिल आता है तो उसका फॉर्मेट कुछ अलग होता है इससे अलग हटके। तो बेसिकली आज की इस क्लास में हमें केवल उस चीज़ को सीखना होगा और आपको ये समझना होगा कि टैक्स जो इनवॉइस है या हमारा जो सेल्स इनवॉइस है, तो सेल्स इनवॉइस को दो प्रकार से प्रिंट किया जा सकता है, एक नॉर्मल फॉर्मेट में और एक सिंपल फॉर्मेट में। एक बार मैं वापस यहाँ पर प्रीव्यू पे आपको लेके चलता हूँ, Alt+Z कर देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये नॉर्मल फॉर्मेट है। ओके, नॉर्मल फॉर्मेट आपको यहाँ से एस्केप करके वापस इस स्क्रीन के ऊपर आना है और आपको यहाँ पर F12 बटन यूज़ करना है, या फिर आप कॉन्फिग्रेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हम कॉन्फिग्रेशन का क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका कॉन्फिग्रेशन जो लिस्ट है, सबसे पहला ऑप्शन आता है यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नो रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यस करेंगे। और यस करने के लिए क्या करना है, आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन आपका जो पहले नो था वो क्या हो चुका, यस हो चुका। आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+A यहाँ पर करना है। वापस आप उसी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और अब आपको प्रीव्यू यूज करना है, यानी अब देखना है कि अब हमारा जो जो सेल्स इनवॉइस है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से उसका प्रिंट आउट आने वाला है। तो हमने यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया। जूम करने के लिए Alt+Z कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इस सेल्स इनवॉइस का वो फॉर्मेट नहीं है, उस तरीके से चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रही जो पहले हो रही थी बाय डिफॉल्ट, जो कि नॉर्मल फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका पूरा पूरा फॉर्मेट है वो बेसिकली चेंज हो चुका है। मयंक ड्रेसेस का जो नाम यहाँ पर पहले कॉर्नर में अलग कॉलम बना हुआ था, अब ये यहाँ पर टॉप में और आपका जो है सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एड्रेस भी है, टैक्स इनवॉइस वगैरह सारा लिखा हुआ है। तो ये आपका होता है एक सिंपल फॉर्मेट। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हमारे पास बिल आता है तो इस प्रकार से कई बिल जो है कई पार्टियों से हमें मिल भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको आज की इस क्लास में चीज़ सीखने को मिली होगी कि किस तरीके से जो सेल्स इनवॉइस है उसको प्रिंट किया जा सकता है। और बेसिकली हम बात करें कि इनवॉइस जो है वो दो प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। मैं फाइनली एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि वो चीज़ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जो पहले हमने फॉर्मेट देखा था, जिसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर Ctrl+P, और मैं एक बार यहाँ पर आपको कॉन्फिगर में लेके चलता हूँ वापस। ठीक है, यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट जो कि यस है, अब मैं एंटर बटन प्रेस करके नो कर देता हूँ, Ctrl+A कर लेते हैं। वापस हम इसके स्क्रीन पे आ जाते हैं और प्रीव्यू पे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये वाला फॉर्मेट है वो नॉर्मल फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आप कस्टमर को नॉर्मल फॉर्मेट भी दे सकते हैं, और कस्टमर यदि कोई डिमांड कर लेता है, ठीक है,
तो आप उसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए क्या करना है, कॉन्फिगर में जाना है या फिर F12 बटन। आप ये भी समझ लें कि यहाँ पर कॉन्फिगर पर जा सकते हैं और कॉन्फिगर पर न जाकर आप यहाँ पर F12 बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ सिंपल इन्वॉइस फॉर्मेट को आपको केवल यस करना होगा, एंटर बटन करना होगा, आप बैक आएंगे और आप यहाँ से जब प्रिंट आउट देंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट है वो होके आएगा और कस्टमर को आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस छोटी सी क्लास में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ आपने सीखी होगी। और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आपको यदि टॉपिक अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली है, तो वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन आप प्रेस करें ताकि जैसे नया नोटिफिकेशन आता है तुरंत उसका मैसेज है वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।